कांग्रेस के महासचिव राकेश सिन्हा जुड़ चुके हैं। राकेश सिन्हा, एक बड़ा झटका यहाँ पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिला है। आप लोगों को बहुत आस थी यहाँ पर झारखंड हाईकोर्ट से, लेकिन एक बड़ा झटका, क्या आगे का आप लोगों का रहने वाला है स्टैंड? नहीं देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने जो भी फैसला किया है वो फैसला हम लोगों को सिरोधार्य है, इसमें कहीं कोई इब्बत नहीं है। हम जनता की अदालत में जाएंगे और लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत होती है, और हमें लगता है कि हम जनता की अदालत में जाकर के तमाम चीजों को पूर्व में भी रखने का काम किया था और आज भी हम लोग रखने का काम करेंगे। एक बड़ी आस और उम्मीद आप लोगों की को थी कि झारखंड हाईकोर्ट से यहां पर जरूर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन एक बड़ा झटका मिला है। क्या सुप्रीम कोर्ट का रुख आप लोग अपनाइएगा? क्या इसको लेकर आप लोग कुछ निर्णय लीजिएगा, कुछ सोचिएगा, कुछ विचार विमर्श कीजिएगा? बिल्कुल, देखिए माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है, अभी हम लोग फिर सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय जाने का काम करेंगे। और मैंने कहा कि इस डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत जनता की भी अदालत होती है। एक और जहां हम सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, वहीं हम दूसरी और लोकतंत्र के सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत में भी जाने का काम करेंगे। मतलब आप लोग जनता की अदालत में जाने का काम खींचेगा? लगातार आप लोगों का यही कहना था कि यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन एक बड़ा झटका मिला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी के सांसद संजय सेठ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में जुड़े हुए हैं। संजय जी, जिस तरीके से एक बड़ा झटका झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिला है, अब भारतीय जनता पार्टी पर इससे पहले भी कई आरोप जो है सत्ता पक्ष के कई नेता लगाते हुए नजर आ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के सारे पर जांच एजेंसी झारखंड में काम कर रही है, अब एक बड़ा झटका, बीजेपी इसको किस रूप में ले रही है? कि बिल्कुल, मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री को पहले ही जब ईडी ने सम्मन किया था तो उनको जाना चाहिए था। अब ईडी सम्मन करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने आपकी याचिका कहा कि नहीं आप हाईकोर्ट जाइए, आज हाईकोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया। हमको यह समझना उनको आपत्ति क्यों है। अगर आप निर्दोष हो तो आप ईडी जो आपने प्रश्न करती, क्योंकि ईडी जो है चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, वो आप पे अगर शक होता है, कोई सबूत मिलते तो आपको बुलाएगी। आप वहां सबूत दो कि साहब हम आप अपने पक्ष रखो, अब पक्ष नहीं रखकर आप भागोगे तो शंका प्रकट होगी। और आज न्यायिक प्रणाली जो दुनिया की सबसे बड़ी न्यायिक प्रणाली है, माननीय उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। तो इतने दिनों तक लगातार टाल मटोल, किसी तरह हम बचें, किसी तरह हम बचें, क्योंकि अब झारखंड के 3.5 करोड़ लोग जानते हैं कैसे मुख्यमंत्री ने अकूत संपत्ति अर्जित की, कैसे ट्राइबल भैया बहनों की जमीन लूटी। अगर ईडी के पास पूरे पुख्ता प्रमाण है तभी तो ईडी बुला रही है। अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी को अब ईडी के सामने जाना ही होगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार जरूर दूध का दूध और पानी का पानी होगा, लेकिन संजय जी जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी पर यहां पर सत्ता पक्ष आरोप लगाती हुई नजर आ रही थी, लगातार ये कहती हुई कोई लेना देना नहीं है, यह स्वतंत्र एजेंसियां होती हैं भारत सरकार की, ये कार्रवाई करती है। आप देखो इनकी एक सचिव पूजा सिंघल जेल में है, और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ 20-20 करोड़ रुपए मिलते हैं। इनके प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, उनके यहाँ करोड़ों के कागजात मिलते हैं, अरबों के कागजात मिलते हैं, कैसे खनिज पदार्थों का दोहन किया उन्होंने। यहाँ पर कोर्ट ने ईडी को बोला भी है कि आप अब समन जारी कीजिए। भारतीय जनता पार्टी मुद्दे उठाती है उस मुद्दों कि भाई आप जाओ, हम सशक्त प्रतिपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं। लेकिन देखिए संजय जी, यहाँ पर स्पष्ट रूप से कोर्ट ने ईडी को कहा है कि आप अब समन जारी कीजिए, तो क्या लगता है इसे कितना असर देखने को मिलेगा 2024 में, क्योंकि लगातार सत्ता पक्ष अब ईडी के सामने माननीय मुख्यमंत्री जाएंगे, अब अपना पक्ष रखेंगे, ईडी क्वेश्चन करेगी, उनका जवाब मुख्यमंत्री को देना है। अब तो हम सब इंतजार कर रहे हैं, दूध का दूध पानी का पानी होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को ईडी के पास जाना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें हमारे साथ साझा करने के लिए। आईआईटी
जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।